सवाल है मन में, अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो आप ऐसा क्या करते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा चुका है, अगर नहीं तो बनता है। हम यहाँ पे बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर क्या है, क्यों शुरू हुआ, ये सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बीच में अभी इसमें खिंचातानी होगी, साफ सुथरा बोर्ड नहीं मिलेगा। और शीत युद्ध माना जाता है कि शुरू हुआ था 1945 या 1947, कुछ लोग 1949 भी कहते हैं, और यह चला था 1991 तक। इसका डेट कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि गोली बारूद तो इसमें चली नहीं थी, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, रक्त रंजित ये युद्ध नहीं था, ये युद्ध था सिर्फ विचारों का, वर्चस्व की लड़ाई थी, ताकत की लड़ाई थी, किसके किसके बीच में, दुनिया की जो सबसे ताकतवर दो देश हैं, बिल्कुल सही, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ, हाँ रूस नहीं बोलेंगे क्योंकि रूस तो अब बना है। कब बना है रूस? 1991 में, जब उसका विघटन हुआ यूएसएसआर का। यूएसएसआर पहले कितने देशों का समूह था? 15। फिर उसके बाद 1991 में इसका विघटन हो गया और फिर रूस निकल गया है। उसके बाद उज्बेकिस्तान, जहां पे ताशकंद समझौता हुआ था, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री, याद ही होगा, ताशकंद समझौता में गए हुए थे वहां पे और उनकी मौत हो गई। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, मिस्ट्री है ये कैसे हुआ। हालांकि लोग कहते हैं रिसर्चर्स अभी तक के हार्ट अटैक था, लेकिन अभी तक उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध के हर एक युद्ध के स्टार्ट होने की कोई वजह होती है, तो शीत युद्ध के स्टार्टिंग के लिए हम पहले देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब चला था? 1914 से लेके 1918 तक। हाँ, ये भी बात आती है, कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना लंबा चला जाएगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो इसका नाम वॉर रखा गया था, वर्ल्ड वॉर, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि पहली बार हुआ था कौन जानता था दूसरा होगा। जब दूसरा वॉर हुआ तब इसका नाम पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 45। अब यही पे सारा गेम गड़बड़ हुआ। आपको पता है दोनों युद्धों में कौन जीता कौन हारा? अच्छा, ट्रेजेडी की बात यह है कि आज के समय में पूरी होल वर्ल्ड में जो दो शक्तिशाली देश पावरफुल कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं, वो दोनों वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे। और जाहिर सी बात है, जितनी घनिष्ठ मित्रता उतना ही तगड़ी दुश्मनी। अब दुश्मनी शुरू होती है 1945 में। ऐसा क्या हो गया? जापान के ऊपर परमाणु हमला कब हुआ था भाई? दो बार, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी। किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। बहुत अच्छे। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टी, वॉर के लिए दो पार्टी, कौन कौन से, किसके बीच? मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन था? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस। दूरी में जर्मनी, जापान, इटली। अब हुआ क्या कि ये दोनों तो एक ही साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दुश्मनी क्यों ठन गई? तो 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए, अमेरिका के पास एटॉमिक बम है इस बात की जानकारी किसी भी कंट्री को नहीं थी सिवाय एक के, और वो है आपका यूके, ब्रिटेन। और ये बात इसके दूसरे मित्र को, यूएसएसआर को, बहुत ज्यादा सोवियत संघ को बहुत बुरा लगा कि मेरा एक मित्र बम बना के उन्हें की टेक्निक उसको उसके पास है, उसने दे दिया ब्रिटेन को, दूसरे मित्र को, और मुझसे छुपाया। ये मन मुटाव यहां से शुरू हुआ, कहां से? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 11 नवंबर की बात नहीं, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, इसके बाद जापान ने समर्पण कर दिया। तो इसमें ऐसा क्या हुआ? मन में
भेदा किसके यूएसएसआर ने सोचा कि अमेरिका बम बनाया, इसने हमें नहीं बताया तो हम भी बनाएंगे और अमेरिका को नहीं बताएंगे। अब यहां से इनके विचार अलग अलग होने शुरू हो गए और आप एक पॉइंट पढ़ रखे हैं कि जो अमेरिका है यूएसए अमेरिका पूंजीवादी देश, पूंजीवादी ठीक है, और यूएसएसआर साम्यवादी। साम्यवादी विचारधारा यूएसएसआर, साम्यवादी विचारधारा क्या है और पूंजीवादी विचारधारा क्या है अगर थोड़ा सा इस पे गौर करें तो पूंजीवादी का मतलब हुआ जिसके पास पूंजी हो, शासन व्यवस्था, या फिर आप इसको समझ सकते हो ऐसे कि आपके देश में साम्यवादी पूंजीवादी दोनों है। अब देख लीजिए जैसे एरोप्लेन वाला सेक्टर और आपका बैंक वाला सेक्टर, ये सब इनके क्या कर दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में इनको कर दिया गया है। रेलवे अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चल रहा है ठीक। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ भाई, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया, अब उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है समय समय पे और अपना कंट्री चल रहा है, पूंजीवादी नीति है। और साम्यवादी नीति क्या है, जैसे आपका रेलवे है, रेलवे आपका गवर्नमेंट देखती है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ये साम्यवादी विचारधारा है। यानी देश में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या फिर ये कहें कि देश की तरक्की के लिए जितनी भी वर्क हो रहे हैं उस पर देश के हर एक व्यक्ति का बराबर अगर अधिकार है तो वो साम्यवादी विचारधारा है। अगर बराबर अधिकार नहीं है, जिसके पास पूंजी है उसका सिर्फ अधिकार है तो वो पूंजीवादी विचारधारा है। विचारों की लड़ाई शुरू हुई। शीत युद्ध के लिए आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई है। इसमें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक दूसरे में होड़ लगी हुई थी, और किनके किनके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इसमें इसके वजह से क्या क्या, एक भी गोली नहीं चली है, कहीं खून नहीं बहा है, और अगर शीत युद्ध युद्ध का रूप ले लेता तो ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय था। होते होते हुआ बचा है कई बार, कहां बचा भाई, कोरिया के समय में 1950 और 1953। आपको पता है कोरिया पहले एक ही था, अब बन गया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जब कोरिया का बंटवारा हुआ तो उत्तर कोरिया को हैंडओवर कर रहा था कौन, दे रहा था यूएसएसआर, सोवियत संघ, वहां पे उसके सैनिक थे, वहां पे उसका प्रभुत्व था, वर्चस्व था, और दक्षिण कोरिया पे प्रभुत्व था अमेरिका। अमेरिका 2-3 साल बाद अपनी सैनिक, 4-10 साल बाद अपने सैनिक वहां से हटा लेता है। और अब इसका परिणाम अभी देखने को मिला, अमेरिका ने क्या किया कि वहां पे अपने सैनिकों को सही से बिठाया, वहां की जनता जब शासन व्यवस्था संभाल ली उसके बाद अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुला लिए। वो दक्षिण कोरिया जो कि अभी सही हालत में चल रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया के साथ क्या होगा कि वहां पे मिलिट्री शासन लागू हो गई, और मिलिट्री आपको पता ही हिटलर शाही शासन कोरिया तो हाँ। क्या आपको पता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के समझौता कराने के लिए भारत से गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मीडिएटर कह सकते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। शीत युद्ध का ही परिणाम आया था बर्लिन, बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आपको पता है बर्लिन राजधानी थी जर्मनी की, और बर्लिन में ही बीच में काट दिया गया, तो मींस दैट दीवार खड़ी कर दी गई, एक तरफ पूर्वी बर्लिन और दूसरी तरफ पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन चला गया था आपका यूएसएसआर में, और पश्चिमी बर्लिन चला गया था अमेरिका में। चला जाने का मतलब क्या है कि वहां पे उस टाइम पे किसकी सेना या किसका कमांड था, इन कंट्रियों का कमांड, अब हट गए हैं। हाँ, बर्लिन की जो दीवार है यहां से, ये खून खराबे वाले इलाके हैं। शीत युद्ध में तो एक भी वॉर नहीं हुआ, लेकिन शीत युद्ध की वजह से, विचारों के मतभेद की वजह से गृह युद्ध जैसा, वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ लेकिन छोटे मोटे काफी रक्तरंजित युद्ध हुए हैं। जैसे कांगो की बात कर ले, हाँ बर्लिन की दीवार 28 साल बाद गिराई गई, ध्यान रखिएगा। कांगो 1960 के दशक में, यहां पे भी बंटवारा शुरू हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब क्या,
ये सब देन है किसकी, शीत युद्ध। अगर शीत युद्ध ना होता, शीत युद्ध चला तब तक भाई कितने साल, मोटे मोटे तौर पे देखें तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सॉरी, हमने बात की कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए, तब रसिया के मन में आया कि भाई हमारे ही मित्र हमें राज नहीं बता रहा, तो ऐसा मित्र किसका होगा। यही से शुरू हो गया था कोल्ड वॉर 1945 से, और चला कब तक, 1991 तक, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके 13 देश अलग हो गए टूट के और रसिया बचा, तब जाके वो शांत हुआ। अच्छा, इतने सालों के दौरान क्या क्या परिवर्तन आए, या फिर ये कहा जाए कि शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ। हाँ, यहां से क्वेश्चन बनता है, अगर निबंध का क्वेश्चन आए यूपीएससी के लिए तो आप यहां से क्वेश्चन लिखे, यहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर में। हाँ, कहानियां तो भी बाकी, मोटे मोटे तौर पर बात कर रहे हैं। नाटो प्रभाव, शीत युद्ध का प्रभाव। अब शीत युद्ध से क्या हुआ भाई, दो ताकतवर देश लड़ गए आपस में, वो उसके कमेंट कर रहा, उसके कमेंट कर रहा, तो जो छोटी छोटी कंट्रियां थी उनके मन में डर था। किस प्रकार का डर, कि अगर दो ताकतवर देश आपस में लड़ गए तो छोटे छोटे देश तो पीस जाएंगे बिल्कुल, उसमें खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। ग्रुप बनाने की वजह क्या हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं, एक दूसरे की मदद करना जरूरत पड़ने पे, और कोई अगर बाहरी तीसरा आक्रमणकारी है तो उनको मिलकर उसका मुकाबला करना। इसी चक्कर में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया। यह संगठन किसके द्वारा बनाया गया, यूएसए अमेरिका। और जब अमेरिका, रसिया ने देखा कि भाई ये तो कई कंट्रियां इकट्ठी हो रही हैं, अब तो ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, तो इन्होंने भी क्या किया, सीटो नाम से, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, सीटो नाम से 1954 में अपना संगठन बना लिया, अपने कुछ लोगों को मिला के मित्र बना लिया। हाँ, आप कह सकते हैं बिल्कुल, भारत इन दोनों गुट में नहीं है, भारत गुट निरपेक्ष और गुट निरपेक्षता क्या होती है, उसमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं, इसका संगठन कब बना था, किस सन में बना था, इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं नाटो, सीटो और सेंटो। भाई अमेरिका ने बना लिया नाटो, उसका विरोध करने के लिए या उसे टक्कर लेने के लिए रसिया ने बना लिया सीटो। अब कुछ और कंट्रियां थी जो दोनों के साथ नहीं होना चाहती थी, जो ये नहीं चाहती थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि कोरिया के मैटर में, बर्लिन के मैटर में, कांगो के मैटर में इतना नरसंहार हुआ था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रुका है, तृतीय विश्व युद्ध बस होते होते रुक गया है, और वो आगे ना हो, ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए बीच के कुछ देशों ने, कौन से केंद्रीय देशों ने, जो सेंट्रल एशियाई कंट्रियां हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया सेंटो। और ये कब बना, 19